अरे बबलू, हमारे सर अभी तक आए क्यों नहीं? तर नहीं आए हैं तो क्या हुआ, तिला आई है ना, तुम तिला पर ध्यान दो। शीला पर क्यों ध्यान देना है इसको, अपने काम पर ध्यान दो ना। वैसे लादू, तुमने तिला को नहीं बताया था? क्या नहीं बताया राजू ने मुझे? देखो, हमारे जो तर है ना, वो लादू से ढल गए थे और बोल रहे थे कि लादू इंग्लिश में कमजोर है और इसे इंग्लिश पर ध्यान देना पड़ेगा। तो फिर मैं इंग्लिश हूँ क्या जो मेरे ऊपर ध्यान देना है तुमको? लेकिन मैं तुम्हारे प्यार में कमजोर हूँ ना, इसलिए तुम पर ध्यान देना चाहता हूँ। ये प्यार का पहाड़ मुझे ना पढ़ाओ। ठीक है, फिर मैं तुम्हें प्यार की गिनती सिखा देता हूँ। ये गिनती पहाड़ा मुझे ना सिखाओ तुम। अरे गिनती क्या, पहाड़ा क्या, मैं तो तुम्हारे लिए आसमान से चांद तारे तोड़ कर ला सकता हूँ। क्या तुम अपने पापा की जायदाद मेरे नाम लिख सकते हो? हैं? वो तो मैं नहीं लिख पाऊंगा। तो फिर अपनी ये भिकमंगे वाली शक्ल लेकर मेरे सामने मत आया करो। अरे किसकी शक्ल भिकमंगे जैसी है? अभी अभी तो आप ही आए हो क्लास में सर। क्या कहा, मेरी शक्ल भिकमंगे जैसी है? नहीं सर, वो तो मैं कह रहा था कि अभी अभी तो आप आए हो क्लास में, जरा सांस तो ले लो, पानी तो पी लो, खैनी वैनी तो खा लो, फिर आराम से पूछना कि कौन शक्ल से भिकमंगा लग रहा है। अमा यार छोड़ो, खैनी की याद ना दिलाओ, वो हमारा प्यून आज आया नहीं है, हमेशा उसी से मांग कर खैनी खाया करता था। सर, आप खैनी खाते हो? हाँ। वो भी मांग कर खाते हो? हाँ। मैं तो समझ रही थी कि सिर्फ राजू ही भिकमंगा है। नहीं, लादू भिकमंगा है और मातल दी खैनी मंगा। अबे चुप हो जा तोतले, सिर्फ दिलदार लोग ही किसी को कुछ देते हैं और देने के लिए उनके पास कुछ होना भी चाहिए। शीला जैसी कंगली लड़की किसी को क्या देगी? जबान संभाल के बोलो, कंगली नहीं हूँ, बहुत बड़े घर की हूँ, बड़े दिलदार लोग हैं हम। इतनी ही दिलदार हो तो अपना दिल दे दो मुझे। अबे जब मांग ही ला था तो कुछ और मांग लेता, दिल मांग के टक लेगा। साले अश्लील बात कर रहा है, भाभी है तेरी। मैं तो 10 रुपये मांगने के लिए बोल रहा था, ताम में तमोटा खाते टटनी के साथ। बच्चों सुनो, सब मेरी शादी तय होने वाली है, इसीलिए मैं आज सबको समोसा और चटनी की पार्टी दूंगी। क्या क्या बात कर रही हो लाली मैडम, आपकी शादी तय होने वाली है? आपकी शादी तय हो गई तो मेरा क्या होगा? घंटा होगा। क्या? मेरा मतलब है कि आपका कुछ नहीं होगा सार। लाली मैडम की शादी के पहले आपका कुछ नहीं हुआ तो उनकी शादी के बाद क्या हो सकता है? रजुआ बहुत बोलता है तुम, भेज कर थप्पड़ मारूंगा कि कान में इतनी तेज घंटी बजेगी जितनी किसी को सब्सक्राइब करने पर भी नहीं बजती है। गुस्सा थूक दीजिए सर, मैं आपको 2 समोसे एक्स्ट्रा खिलाऊंगी। खुद तो शादी का लड्डू खा रही हो और मुझे समोसा खिलाओगी? हाँ सर, मेरे होने वाले पति को समोसा बहुत पसंद है, इसलिए मैं सबको समोसा खिला रही हूँ। मैं नहीं खाऊंगा समोसा वमोसा, समोसा खा के मेरा पेट खराब हो जाता है। सर, लाली मैडम की शादी की बात सुनकर आपका दिमाग खराब हो गया और आप पेट खराब होने की बात कर रहे हो? हाँ, मेरा दिमाग खराब है, मेरा पेट खराब है और आपकी नीयत भी खराब है। और राजू के बच्चे? क्या बात कर रहे हो सर, शीला ने अभी हाँ नहीं कहा है, बच्चे कहाँ से हो जाएंगे? क्या बोला बे? शांत हो जाओ सब, शांत हो जाओ, मैं एक और बात बताने वाली हूँ। मुझे और कुछ नहीं सुनना है अब, मैं जा रहा हूँ, मुझे आज अपनी पत्नी को लेकर उसके मायके जाना है, जा रहा हूँ मैं। अच्छा ठीक है बच्चों, मैं भी जा रही हूँ। कमाल है, लाली मैडम शादी करके अपने पति के घर जाने वाली है, ये सुनकर हमारे सर अपनी पत्नी के घर चले गए, अब हमारी पढ़ाई का ध्यान कौन रखेगा? अबे लादू, तल और मैडम चले गए तो क्या हुआ, तीला है ना, तुम तीला पर ध्यान दो ना। तो शीला डार्लिंग, मुझसे शादी करने के लिए तैयार हो? जवाब अभी चाहिए या कल दूं? अभी दे दो डार्लिंग, पता नहीं कल होना हो। अच्छा एक मिनट। भाई लादू, आज तो तुम्हारी लौतली लग गई, लग रहा है तीला हाँ करने वाली है। चुप कर जा साले, भाभी है तेरी। लेगा? हाँ दो। ये आगे मैया शादी करे।